खरगोन जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन का रवैया काफी सख्त है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को प्रशासनिक महकमे ने शहर के बिस्टान रोड, बिस्टान नाका, छोटी मोहन टाकीज, बड़ी मोहन टाकीज, बस स्टैंड सहित अन्य स्थानों पर दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की गयी। इस दौरान क्षेत्र के भोजनालयों और होटलों पर भी चालानी कार्रवाई हुई, जिससे चालानी कार्रवाई के साथ 10 गैस टंकी जब्त करके दंडात्मक कार्रवाई की गई। इस दौरान प्रशासनिक महकमे ने बताया कि प्रदेश के 7 जिले हॉटस्पॉट बने, जिसमें खरगोन भी शामिल है। ऐसे में दुकानदारों को समझाइश देने के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसी के चलते कार्रवाई की गई, जो निरंतर जारी रहेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। केवल मास्क को लेकर ही कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में कोरोना की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जो प्रदेश के 7 जिले हैं जो हॉटस्पॉट पर चिन्हित किए गए हैं, उसमें अब तक खरगोन महाराष्ट्र की बॉर्डर की सीमा लगी हुई है, वो ट्रैफिक के हिसाब से ज़्यादा इसमें मिल रही है। उसका हमारे जो खासकर के जो बाहर के लोग आते हैं, तमाम होटलों में बैठ के खाना खाते हैं, उससे भी संक्रमण फैल रहा है। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने सख्त निर्देश दिए थे कि शहर में जहाँ भी ये सारे विषय हम लोगों ने 18144 में कवर किया है कि जितने भी होटल वाले हैं, वो होटल तो खुला रहेगा, लेकिन जब भी कोई खाने आए तो उसको समझाइए कि हम बैठा के आपको नहीं खिला सकते, जिसके लिए आपको पार्सल भेजना है। तो पार्सल की सुविधा रखी गई है। आज हम लोगों ने बस स्टैंड के पास में देखा कि लगभग जितने भी भोजनालय थे, उसमें सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे, और हम लोगों ने फौरन उसमें कार्रवाई करी। जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में जो निर्णय लिया गया था कि ऐसी दुकानों को तत्काल बंद कर दिया जाए, ऐसी दुकानों को हम लोगों ने सील्ड कर दिया है। एक सप्ताह के बाद खोला जाएगा, और उसके बाद भी अगर उल्लंघन करते हैं और कोरोना की संख्या, मरीजों की संख्या अगर निरंतर बढ़ी रही, तो ऐसी हम लोग सख्ती करें। दूसरा, हम लोगों ने दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी रखी है। अक्सर समझाइश देने के बाद, नगर पालिका के द्वारा निरंतर मुनादी कराने के बाद भी लोग बिना मास्क बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि दुकानदार, जिसको खुद मास्क पहन के बैठना चाहिए, वो भी मास्क नहीं पहना। ऐसे लोगों से हमने माना किए हैं, और आम पब्लिक और जो मोटरसाइकिल पब्लिक जो शहर में घूम रही, जो बाज़ारों में जा रही, उससे भी आपके माध्यम से हम अनुरोध करते हैं प्रशासन की तरफ से कि आप जब भी बाहर रहें, आप मास्क पहनें, और बिना मास्क आप दुकान के पास क्वेश्चन करें। तीसरा, क्राइसिस मैनेजमेंट में जो निर्णय लिया गया, उसके तहत वो शहर के जो हॉटस्पॉट है, खास करके वार्ड नंबर 5 है, वार्ड नंबर 9 है, 4 है, 1 नंबर भी है, और यहाँ जो 29 भी है, 30 भी है, ऐसे एरिया में जो कमर्शियल हमारी दुकानें हैं, वहाँ हम करीब 500 दुकानदारों की सैम्पलिंग भी करा रहे हैं RAT के माध्यम से, और उसमें जो पॉजिटिव निकल रही है दुकानें, वो दुकान को हम तत्काल सील कर रहे हैं। उनके परिवार को, लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं, और जो होम क्वारंटाइन करने के बाद में हम जो कोरोना की जो दवाई है, जो उसका गाइडलाइन है, उसके हिसाब से उनको समझाइश भी करें कि घर में रहें, और उनसे डिक्लेरेशन फॉर्म भी भराएं कि जो 7 दिन की अवधि आपको क्वारंटाइन के लिए दी गई, उस पीरियड में आप बाज़ार में ना जाएँ, नहीं तो आपके कारण से संक्रमण की संख्या बढ़ेगी। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर, निर्माण मोटर्स पर भी कार्रवाई की जी, निर्माण मोटर्स पर भी कार्रवाई हुई है। हमारी कार्रवाई में हम कोई लेवल नहीं देख के चलते कि कौन आदमी है और कितना बड़ा आदमी है, कितना छोटा आदमी है। अगर नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने का चलान है उसमें? जो उसमें टोटल जो चलान बनी है, 1000 रुपये का चलान। सर, घरेलू गैस टंकी भी जब्त करेंगे? हाँ, वो हम लोग भोजनालय जब चेक करने गए तो वहाँ हमने देखा, एक भोजनालय था, उसका नाम है ज्योति भोजनालय, उसके यहाँ से 7 घरेलू गैस की टंकियाँ मिली, जो उसका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में उसका केस बनाया गया। हम लोग छोटे मोहन टॉकीज में भी इसी तरह से भोजनालय चेक कर रहे थे, तो एक भोजनालय से वहाँ भी 3 घरेलू टंकियाँ पाएंगी, उसके खिलाफ भी हम लोगों ने FIR कर दी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।